और यदि कहीं ऐसा हो गया तो कपटी गुरु लालची चेला। आगे क्या है? कपटी गुरु लालची चेला और हो नरक में। याद आ गई हमें एक बात। एक बार गुरुजी अपने शिष्य के यहां गए, रणवीर भाई अपने शिष्य के यहां पहुंचे। उन्होंने कम से कम 150 शिष्य बना लिए। पूछो क्यों बना लिए मालूम है? बनाए तो जास होते हैं, वो दार के लिए थोड़ी। इसलिए बनाया था कि साल भर में अगर एक ही चक्कर लगाएंगे और अगर एक चेला ने सीजन पे, चाहे गेहूं की सीजन जाओ या धान की सीजन, अगर 50 केजी दे दिया, एक एक बोरी गेहूं दे दिया, तो भी भंडारा फ्री हो गया। और दो चक्कर लग गए तो 50 रुपए से कम में आज की महंगाई में विदाई कौन करेगा, है ना? 150 चेला हो गए, खर्चा आराम से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। घर वाली बड़ी चालाक। एक बार गुरुजी ने सोचा एक महीने में 2 चक्कर हो गए, बोले पैसा कम मिला। 3 महीने बाद फिर पहुंचे। शिष्य की जो पत्नी रहे उसने सोचा कि हम तो अपने गुरुजी बड़े परेशान हैं, ये तो एक महीने में 2-2 चक्कर लगा देते हैं, इतना पैसा हम कहां से लाए। बोले काम कर। गुरुजी जैसे ही आए उन्होंने पति को भेज दिया मार्केट, बोले जाओ मिर्ची ले आइयो। क्या ले आइयो? मिर्चे। सुबह तो चले गए मिर्ची ले, और तब तक गुरुजी आए गए। जैसे गुरुजी आए दरवाजे पर उन्होंने आग जला के रखी और पामे 2-4 मिर्ची डाल दी आग में। तो जब मिर्ची डाल दोगे तो खांसी तो होगी जब उसका धुआं लगेगा। तो जैसे ही बूढ़े वाले गुरुजी रहे, जैसे ही गुरुजी आए तो उन्हें खांसी होने लगी। अब जो शिष्य थी लड़की थी उसने कहा गुरुजी बैठो, गुरुजी बैठो। बोले बैठे, पानी पिलाओ। पानी लेके आए, बोले शिष्य कहाँ गया? बोले शिष्य मिर्ची लेने गए। अब जाड़ा हो गया गुरुजी की के मिर्ची तो जो हमें पहले ही से पड़ी जो आगे चल रही है, और मिर्ची फिर लेने गए, आज मार डाले जाएंगे साफ। वे बिना ही विदाई के लौट गए। जब बिना विदाई के लौट गए तब तक शिष्य आ गए। बोले कौन आया? तो गुरुजी आए थे। बोले चले गए? कहाँ चले गए? कितनी दूर निकल गए? बोले ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर निकल पाए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1-2 किलोमीटर निकल पाए होंगे। शिष्य जो रहे पीछे ही भाग दिए गुरुजी के, आवाज लगा रहे गुरुजी खड़े हो जाओ, गुरुजी खड़े हो जाओ। और जैसे गुरुजी ने पीछे देखा सो पॉलिथिन भागे में लटकाए थे, मिर्ची थी उसमें। अब जैसे गुरुजी लौट के देखा तो हाथ में मिर्ची। गुरुजी ने सोची आज अगर निकल गए, कहा कही जाते जान बची तो लाख हो पाए। गुरुजी ने सोचा आज तो बिना मौत के मारे जाएंगे, ये तो बाकी में मिर्ची पकड़े आज तो, आज कल तो उसने ही दी थी, आज सुबह तो उसकी पत्नी ने जो तो ढेर सारी पकड़े कर इतनी डाल देंगे आगे में, तो हम तो मर जाएंगे। गुरुजी भागा भाग भागा भाग बहुत दूर निकल गए। शिष्य ने देखा अब गुरुजी को नहीं पकड़ पाएंगे, आवाज लगा रही है। जब चेला निकल गए गुरुजी, तब शिष्य खड़े हो गए और पीछे को देखा सो पत्नी पीछे पीछे आवे। बोले तू काहे को आ रही? बोले हम इसलिए आ रहे थे गुरुजी की पिछाई मत करो। बोले काहे न करे? बोले मिर्चन को धुआं लग गए, ज्यादा परेशान है, ता से भाग रहे। बोले मिर्ची कहाँ थी? के दरवाजे पे, हमने तो जा से रखी थी, मच्छर परेशान किए थे। कपटी गुरु लालची चेला होए नरक में। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु चाहे जैसा हो, गुरु तो गुरु होता है, गुरु कोई शरीर नहीं होता। गुरु नाम की शक्ति होती है जो भगवान से भी परे होती है। भक्तों हम गुरु से, गुरु की सेवा कर पाए ना कर पाए, लेकिन गुरु के नाम से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए।